बीजेपी को हरा रहे हैं, हम सेकुलरिज्म को बचा रहे हैं। तो हम सेकुलरिज्म को जब बचाने का हम पे ठेका है, तो हमारे मंदिर, हमारे मस्जिद, हमारे घर, हमारी माँ और बहनों की इज्जत को कौन बचाएगा? हम बाबरी मस्जिद सही तो तब नहीं बोलते हैं, अखलाक को मारा जाता तब नहीं बोलते हैं, मुजफ्फरनगर के अंदर कतलेआम होता तब नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं लोग? जब हमसे हमारा वोट लेते हो तो हमारे मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? जब आपको वोट चाहिए तो हक कौन? सीधी सीधी बात है, अब गुलामी नहीं होगी, दरबार में हिस्सा लेंगे सरकार में। ये कहना चाहते हैं कि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए और मुसलमानों का नेता नहीं चाहिए? अगर आप ये कहना चाहते हैं तो हमारा जवाब आपको ये है कि अगर हमारा वोट आपको चाहिए तो हमारे नेता के साथ बात करना पड़ेगी, नहीं तो आपको वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमारे इतिहाद को इतनी सीटें ना मिली तो इंशाल्लाह हम गठबंधन के साथ सरकार में होंगे 2022 के बाद। नायब चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर AIMIM के इजाजत से बनेगा, नहीं तो फिर को मैं मुरादाबाद में मौजूद हूं, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जनसभा शोषित वंचित सम्मेलन हो रहा है, और यहां से मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के लोगों के मुद्दों को जानना चाहूंगा कि वो इस बार किस मुद्दों के साथ चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मजलिस का इस समय क्या माहौल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस का माहौल आप सब देख रहे हैं, आपने खुद ने देखा है, आज मुरादाबाद के अंदर आप लोग आए हुए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि मजलिस का माहौल क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम नौजवान, दलित नौजवान, अकलियतों का पूरा तबका असद साहब को अपना लीडर मान चुका है, असद साहब के साथ शाना बशाना चल रहा है और असद साहब को अपना कायद मान चुका है। और इंशाल्लाह 2022 के इलेक्शन में आप देखेंगे असद साहब इंशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार होंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी के बारे में आपका क्या विचार है? समाजवादी पार्टी के बारे में हम ये कहते हैं कि इस पार्टी को हमने अपने खूने जिगर से सींचा है। हमने इस पार्टी को तकरीबन 4 मरतबा इस पार्टी के नुमाइंदे को हमने चीफ मिनिस्टर बनाया है और हमने आज तक इनसे सिर्फ और सिर्फ ये कहा आप हमें सुकून से रहने दो। इन्होंने हमसे वादा किया कि हम आपको 20% रिजर्वेशन देंगे, क्या इन्होंने दिया हमें रिजर्वेशन? ये हमें सिर्फ और सिर्फ ठगते हैं। इलेक्शन आता है, मुसलमानों की मसीहाई का दावा करते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं, और जब इलेक्शन जीत के चले जाते हैं तो यादवों को नवाजते हैं और मुसलमानों को एक तरफ करते हैं, यादवों को बड़े बड़े ओहदों पर बिठाते हैं और मुसलमानों को एक तरफ कर देते हैं। तो मुसलमान कब तक इनकी गुलामी करेगा? अब मुसलमान इस तरह नहीं सहेगा, अब मुसलमानों को बराबरी चाहिए है, हिस्सेदारी चाहिए है, मुसलमानों का अपना लीडर आ चुका है। अगर मुसलमानों का वोट चाहिए है तो इस लीडर से बात करना पड़ेगी, वरना मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा आपको। मुसलमानों के लिए क्या संदेश है? मुसलमानों के लिए यह संदेश है कि मुसलमानों, आपने 70 साल तक कांग्रेस, समाजवादी और BSP को वोट किया और आपने सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए वोट किया, और वो मकसद आपका ये था कि आपको हिंदुस्तानी माना जाए, आपको बराबरी का हक़ दिया जाए। BJP का डर दिखाती थी ये पार्टियां और BJP का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेती थी और कहती थी कि अगर BJP आ गई तो आपका पुरसान हाल कोई नहीं होगा। मुसलमान BJP से डरता और वोट कर दिया करता था, और किस लिए? कि हमें हिंदुस्तानी मानो। लेकिन जब 2014 इलेक्शन आया और 2014 इलेक्शन में BJP इख्तदार में आई, BJP ने अपना पूरा जाल बिछाया, और 2019 में आने के बाद BJP NRC और CA जैसे बिल लेकर के आई। CA जब BJP लाई तो BJP ने इनकी पोल खोली कि मुसलमानों, 70 सालों में जिस एक मुद्दे पर तुमने वोट किया है कि तुम्हें हिंदुस्तानी माना जाए, तुम उस मुद्दे में भी नाकाम रहे हो, क्योंकि तुम्हें NRC का बिल दिखाकर साबित करना पड़ेगा कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो। तो किस लिए वोट करें हम इन्हें? इसलिए अपना लीडर चुनो। मैं आपसे, आपके तवसुत से मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि 7% यादव हैं, अपना नेता चुन लिया, यादवों के हालात बदल गए। 10% दलित हैं, अपना नेता चुन लिया, दलितों के हालात बदल गए। 5-6% जाट हैं, उन्होंने अपना नेता चुन लिया, उनके हालात बदल गए। 20% लोगों को अपना नेता चुनने का हक नहीं है। कब बदलेंगे आप अपने हालात? मुसलमानों से कहता हूं कि मुसलमानों, अपने हालात बदलो, इस लीडर के दर्द को दर्द जानो, इसकी सच्चाई को पहचानो। ये तुम्हारे हक के लिए आया है, ये तुम्हें लीडर बनाना चाहता है, ये तुम्हें नेता बनाना चाहता है, ये तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ना चाहता है। बस आप इसका साथ दो, इसको वोट करो, फिर देखो इंशाल्लाह हालात बदल जाएंगे। प्रदेश में कितनी सीटें आने के चांसेस हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने तकरीबन 130 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है और हमारा गठबंधन इंशाल्लाह हो जाएगा, जिस पार्टी से भी होगा, अभी ओपन नहीं किया गया है। 403 की 403 विधानसभा हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम सरकार बनाएंगे, वरना अगर हमारे इतिहाद को इतनी सीटें ना मिली तो इंशाल्लाह हम गठबंधन के साथ सरकार में होंगे 2022 के बाद। नायब चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर AIMIM के इजाज़त से बनेगा, नहीं तो फिर
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी हार रही है, हमें फर्क नहीं पड़ता। बीएसपी हार रही है, हमें फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस हार रही है, हमें फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, समाजवादी को जिताने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, बीएसपी को भी जिताने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है अपने नेता को जिताने की, हमारी जिम्मेदारी है एआईएमआईएम को जिताने की। और फिर याद रख, फिर उसमें चाहे हम एक सीट जीते या 100 सीटें जीते, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम एक सीट हारे या 100 की 100 सीटें हारे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम डर कर वोट करने वाले नहीं हैं। हम बीजेपी से डर कर समाजवादी को वोट नहीं करेंगे। हम अपने भाई को वोट करेंगे, अपनी पार्टी को वोट करेंगे, अपने झंडे और डंडे को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। लोग कहते हैं कि एजेंट है इसके बारे में। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। और माफ कीजिएगा, ये बात मैं बारहा कहता हूँ, ये जो लोग जो मीडिया पर हैं, लोग नहीं कहते, आप मीडिया कहती हैं। ठीक है, मैं आप जैसे सहाफियों की कदर करता हूँ इसलिए कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब सेकुलर पार्टियों का वोट काटते हैं, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने कहा कि आप हमसे गठबंधन कर लीजिए। यानी आप एक तरफ कहेंगे कि हम वोट काटते हैं और वोट काटने के डर से आप 2 सीटों वाली लोकदल से तो गठबंधन कर लेंगे, आप 2 सीटों, आप 4% ओपी राजभरों से तो गठबंधन कर लेंगे, आप बीएसपी से वक्त आने पे गठबंधन कर लेंगे, कांग्रेस शिवसेना से गठबंधन कर लेगी, लेकिन ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि इनका लीडर मुसलमान है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए और मुसलमानों का नेता नहीं चाहिए? अगर आप ये कहना चाहते हैं तो हमारा जवाब आपको ये है कि अगर हमारा वोट आपको चाहिए तो हमारे नेता के साथ बात करना पड़ेगी, नहीं तो आपको वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। देखिए, मुसलमानों को संदेश ये है, जब से देश आज़ाद हुआ है मुसलमान ने हमेशा अपने को न चुन के गैर को चुना है। ये संदेश दिया है मुसलमानों ने हमेशा कि हम इस देश में अमन चाहते हैं, हम भाईचारा कायम करते हैं। देखिए, मुसलमान ने कांग्रेस को वोट दिया भाईचारा कायम करने के लिए, सपा को वोट दिया भाईचारा कायम करने के लिए, बसपा को वोट दिया भाईचारा कायम करने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी बनती है तो जब चुनाव का वक्त आता है तो मुसलमान याद आता है, लेकिन सरकार बनने के बाद भाईचारा ख़त्म, एक तरफा उनको अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। यादव जी की समाजवादी पार्टी सरकार जब बन जाती है, चुनाव से पहले उन्हें मुसलमान याद आता है, मुसलमान का जय जयकार नारा लगाएंगे, लेकिन जब सरकार बन जाएगी तो भाईचारे ख़त्म करके यादवों को अपना हक देते हैं। हमें ये बताइए, जब हम उत्तर प्रदेश के मुसलमान मिलकर यादव समाज को, पंडित समाज को, ठाकुर समाज को, दलित समाज को कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती, तो फिर इन्हें हमें हिस्सा देने में क्या दिक्कत है? हमें हिस्सेदारी क्यों नहीं देते ये लोग? सपा सरकार ने 2012 में वादा किया कि हम आपको 18% का रिजर्वेशन देंगे, लेकिन 50,000 भर्ती निकलती है, 48,000, उसमें से 38,000 यादव भरते हैं, जबकि वोट हम करते हैं 75% और हिस्सा में 1.5% भी नहीं मिलता। ये सरकार हमारे साथ नाइंसाफी करती है। और दूसरा सवाल देखिए, आजकल लोग माहौल क्या बनाते हैं, कुछ हमारे बीच में ऐसे ऐसे लीडर हैं जो पेट और जेब के नेता हैं, उनको मेरा संदेश ये, वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट है। उनसे हम ये पूछना चाहते हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं तो बिहार के अंदर हम लोगों ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 जीते, कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, मात्र 19 जीत 51 सीटों बीजेपी जीती। उनको संदेश ये है कि 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें जीतने वाले बीजेपी के एजेंट हैं, 70 सीट पर लड़कर 19 सीटें जीतने वाले बीजेपी के, आप ही बताइए। और देखिए, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कोई भी हो, हम मानते हैं बीजेपी को हम भी हराना चाहते हैं, फिरका परस्त ताकतों को हम भी नाकामयाब करना चाहते हैं, लेकिन हमें सवाल ये है, हम बीजेपी को हरा रहे हैं, हम सेकुलरिज्म को बचा रहे हैं, तो हम सेकुलरिज्म को जब बचाने का हम पे ठेका है तो हमारे मंदिर, हमारे मस्जिद, हमारे घर, हमारी माँ और बहनों की इज्जत को कौन बचाएगा? हमने तो सेकुलरिज्म को बचाने का ठेका ले लिया, लेकिन ये हमारी माँ और बहनों की इज्जतों के सवाल पर क्यों नहीं बोलते हैं? बाबरी मस्जिद सही तो तब नहीं बोलते हैं, अखलाक को मारा जाता तब नहीं बोलते हैं, मुजफ्फरनगर के अंदर कतलेआम होता तब नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते ये लोग? जब हमसे हमारा वोट लेते हो तो हमारे मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? जब आपको वोट चाहिए तो हक कौन देगा? सीधी सीधी बात है, अब गुलामी नहीं होगी, दरबार में हिस्सा लेंगे सरकार में। मुसलमान हमेशा अपने का साथ नहीं दिया उसने, क्यों? वो हमेशा ये चाहता है कि भाईचारा कायम करे, लेकिन हम इस, हमारा सवाल सिर्फ इतना है, अब ये जितनी भी पार्टियां सरकार बन जाए, मान लीजिए मुसलमान कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि जी ओवैसी साहब अगर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी आ जाएगी। अरे भाई, अगर बीजेपी आ जाएगी, चलिए बीजेपी तो अब भी मौजूद है, पिछली बार तो हम किसी यहाँ चुनाव नहीं लड़े ना कहीं भी, हम मानते हैं, चलिए अगर हमें आप ये साबित करना चाहते हो बीजेपी आ जाएगी, लोग कहते हैं आप मत लड़िए, आपके आने से बीजेपी आ जाएगी, हम ये कहते चलिए हमें वोट मत दीजिए आप,
सपा की सरकार बनवा दीजिए, उसके बाद हम अगला चुनाव लड़ेंगे। फिर ये लोग ये सेकुलरिज्म वाले क्या कहेंगे, अरे भाई ये बीजेपी जैसे तैसे तो गई है, अब आप फिर लड़ोगे फिर बीजेपी आ जाएगी। अरे 70 सालों से मुसलमान बीजेपी को तो हराता आया है। और देखिए 2019 के इलेक्शन में सपा और सपा बसपा मिलकर लड़ी, तब ये बीजेपी को नहीं हरा पाए। 2017 में कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ी, तब ये बीजेपी को नहीं हरा पाए। तो अब कौन सा बीजेपी को हरा लेंगे? अगर बीजेपी को हराना है तो असद्दीन ओवैसी हिसाब से हाथ मिलाना पड़ेगा, सीधा सीधा हिसाब। ही अगर तुम कहते हो बीजेपी के एजेंट है, अगर हमें वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, कि हम कहते हैं ना डर दिखाते हैं मुसलमानों को कि हमें वोट दे दो वरना बीजेपी आ जाएगी। भैया हम भी अब आपको असद्दीन ओवैसी साहब का डर दिखा रहे, या तो हमें हिस्सेदारी दो वरना बीजेपी आ जाएगी। बहुत। और देखिए कितना भी हम लोग समझ लें, मुसलमान आज हर दहलीज पर हर महाज पर अकेला खड़ा है, मंच से धक्के देकर भगाया जा रहा है। मौजूदा विधायक को जब हम लोगों का दोखात क्या, मौजूदा 10-2 बार के विधायक को मंच से उतार दिया जाता है, तो हम लोगों की क्या औकात है? और ये समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी है तो हमारे साथ कहाँ से खड़ी होगी? क्या समाजवादी पार्टी के अंदर कोई नेता नहीं है? क्या कोई भ्रष्टाचारी गुंडा मवाली हत्यारा बलात्कारी नहीं है? सिर्फ एक आजम खान ही ऐसे हैं जिन पर मुकदमा दर्ज होता है, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, सिर्फ आजम खान साहब ही बचे। देखिए सवाल हमें ये बताइए, कभी भी दिल्ली का मामला हो, कहीं का मामला हो, सिर्फ मुसलमान पर ही क्यों तलवार टंगती है? दिल्ली के अंदर दंगा फसाद हुआ, अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमने 3.5 लाख कैमरे लगाए हैं दिल्ली के अंदर, हमारी हर क्राइम पे नज़र है। अगर आपकी हर क्राइम पे नज़र है तो केजरीवाल साहब आप ये बताइए, जब दिल्ली के अंदर कैमरे लग रहे 3.5 लाख और जिस वक्त में दिल्ली दंगा हुआ, वहाँ पे जो है दंगा फसाद हुआ, तो आपके कैमरे में मस्जिद के ऊपर जो भगवा झंडा लहराया गया वो नहीं दिखाई दिया। रागनी तिवारी ने सरेआम मुसलमानों को कत्लेआम करने की बात की, वो आपको दिखाई नहीं दी। कपिल मिश्रा ने सरेआम मुसलमानों को धमकी दी मारने की, वो आपको दिखाई नहीं दिया। कौन दिखाई दिया आपको? शाहरुख खान दिखाई दिया, ताहिर आपको दिखाई दिया, इसरत जहाँ आपको दिखाई दी, सफूरा जरगर आपको दिखाएगी। क्यों? उनके नाम पे मुसलमान का लफ्ज, उनके नाम पे मुसलमान का मोहर लगी हुई है। और देखिए मुसलमान की मोहर लगी तो क्या इसका मतलब जो हम ही को सताया जाएगा? अब ये बताइए, हिंदुस्तान का कानून ये है कि अगर दो गाड़ियां आपस में टकरा जाएं, उनका तो हिंदुस्तान का कानून ये है कि गाड़ी तो जाएगी थाने और ड्राइवर जाएगा जेल, जब तक ड्राइवर की जमानत नहीं होगी तब तक गाड़ी नहीं छूटेगी। लेकिन देखिए 2017 के अंदर योगी जी की गाड़ी अखिलेश यादव की गाड़ी से टकराई है ना, ये सब राजनीतिक पार्टियां जो हैं एक गाड़ी की मानिंद, और योगी जी गाड़ी अखिलेश यादव की गाड़ी से टकराई है। हम ये मानते चलिए, मान लीजिए टकरा गई, ना अखिलेश यादव जी जेल गए, ना योगी जी जेल गए, ना समाजवादी पार्टी थाने गई, ना बीजेपी थाने गई, लेकिन कंडक्टर आजम खान की उसी दिन से धुनाई हो रही है। कभी सोचा कि कंडक्टर जेल गया है? कभी देखा आपने? कंडक्टर कभी जेल नहीं जाता, ड्राइवर जेल जाता है। क्यों? क्योंकि आजम खान साहब के पीछे मुसलमान का ठप्पा लगा हुआ। ये मंच से उतारे हम लोगों को क्यों? आज हमसे गठबंधन क्यों नहीं कर रहे? क्यों? ना पता है, अगर मुसलमान ओवैसी साहब के पीछे चला गया, इनसे गठबंधन कर लिया, तो मुसलमान ओवैसी साहब को अपना नेता मान लेगा और हमारी दुकानें बंद हो जाएगी। सपा की दुकान वो मुसलमानों के दम से चल रही है, बसपा की दुकान वो मुसलमानों के दम से, कांग्रेस की दुकान वो मुसलमानों के दम से। तो भैया जब हमारे दम से तुम्हारी दुकानें चल रही है तो हम तुम्हारी दुकान से सामान नहीं खरीद, हमारी खुद की दुकान है जिसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उस दुकान का मालिक है बैरिस्टर असद्दीन ओवैसी। आदाब, जय भीम। मैं कंचन सिंह, महिला जिला अध्यक्ष, हापुड़। इस बार जो है जनता किस क्यों जो है MIM को वोट करे? MIM पार्टी जो है पहले तो सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज के हित के बारे में बात करती है। दूसरा कि वोट इसलिए दिए जाए कि बैरिस्टर हैं जिन्हें राजनीतिक मतलब हम किस ऐसे नेता बनाते आ रहे हैं, अब तक ऐसे नेता चुनते आ रहे हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, उन्हें संविधान के ज्ञाता हैं, जिन्हें संविधान के बारे में पूरा नॉलेज है, एज ए तीसरे बैरिस्टर हैं, इसलिए इस पार्टी से जुड़े और वोट दें। क्योंकि हमारा जो हित में कौन सोच सकता है, वही तो जिन्हें पता हो, और जिन्हें कुछ पता ही नहीं है तो ऐसे लोगों को वोट देने से क्या बेनिफिट है? तो मैं हापुड़ जिले से आती हूँ, विधानसभा हापुड़ है और विधानसभा गढ़ है, विधानसभा धौलान है, तो बहुत अच्छी स्थिति है, तीनों पे तीनों प्रत्याशी लड़ रहे हैं, खुद मैं हापुड़ पे विधानसभा हापुड़ पे मैं चुनाव के भावी प्रत्याशी। बीजेपी, देखिए मैं बीजेपी के लिए ये बोलना चाहती हूँ, क्या इनके पास एक ही मुद्दा है? राम मंदिर, राम मंदिर। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वाराणसी, एक तो राम मंदिर से बाहर निकल के आइए, वाराणसी, कभी राम मंदिर तो कभी वाराणसी के मंदिर में, कभी केदारनाथ मंदिर में, तो मंदिरों से बाहर निकलिए और देखिए आवाम क्या चाहती है।
दुनिया क्या चाहती है। यहाँ पे मुफ्त में राशन किसी को नहीं चाहिए। यहाँ आवश्यकता है शिक्षा की, आवश्यकता है एक हॉस्पिटल की। यहाँ पे अभी तक भी आपको इतना साल हो चुके हैं, 2014 से आप इसमें केंद्र में हैं, अभी तक आपने एक भी हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया है, एक भी विश्वविद्यालय या एक भी स्कूल का निर्माण नहीं किया है। तो हमें जनता को ये छोड़ दीजिए कि मुफ्त राशन की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा की आवश्यकता है, और जो आप दे नहीं सकते क्योंकि आपके पास मुद्दा ही है राम मंदिर से। मंदिर से बाहर निकलिए, मैं उनसे ये कहूँगी कि मंदिर के सिलसिले से मंदिर से बाहर निकल के देखिए दुनिया क्या चाहती है। आज बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ चुकी है कि लोग भूख इस कदर ये कर रहे हैं कि क्राइम जो दिन पे दिन बढ़ता है तो इसी की वजह से बढ़ता है कि क्राइम रेटिंग जो हाई हो रही है कि बेरोजगार हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। महिलाओं के लिए कोई संदेश? महिलाओं के लिए देखिए, आज जो इस तरह से महिलाओं की स्थिति हो गई है कि अत्याचारी जो अत्याचार कर रहा है महिला पे, वो खुला आजाद घूम रहा है। आज चाहे मनीषा वाल्मीकि कांड हो, गुड़िया कांड हो, या फिर सेफी कांड हो, नहीं एक से एक कितने भी ले लीजिए आप, किसी में भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। सिर्फ गुहार लगाई जा रही है, गुहार कहा जा रहा है कि इंसाफ मिले। अभी तक भी कोई इंसाफ की मुझे नहीं नजर आता कि कहीं से इनसे इंसाफ मिलेगा। ऐसे लोगों से हम ये कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं। मैं फिर वही कहूँगी, सिर्फ मंदिरों में ही है तो मंदिर मस्जिद से हटिए ना, तो ये देश मंदिर से चलता है ना, ये ना तो ये देश गीता से चलेगा ना कुरान से चलेगा, ये सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ संदेश जो है देना चाहती हैं आप, एमआईएम को क्यों वोट करें? मुस्लिम महिलाओं के लिए देखिए, खुद की पार्टी है, अन्य आप किसी भी दल में चले जाइए, चाहे समाजवादी हो, बसपा हो, बीजेपी हो, जो मान सम्मान आपको कि आप पात्र हैं, जो आपको मिलना चाहिए वो मान सम्मान आपको अन्य पार्टी में नहीं मिलेगा। यहाँ आपके खुद आपका घर है, आपका मकान है, आप खुद आइए यहाँ पे और आप मतलब कहाँ कहीं भी हम चले जाएँ, हम सबसे ज़्यादा सेफ जो कहाँ फील करते हैं वो अपने घर में फील करते हैं, अपने मकान में फील करते हैं। तो जब तक आपके पास आपका मकान नहीं था, आप दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, कभी बसपा में दर थे, कभी बीजेपी में, कभी समाज में, आज आपके लिए एक छत बन चुकी है, आपके लिए एक मकान आ चुका है, तो ऑटोमेटिकली आप अपने घर आ जाइए और अपने घर को बढ़ाइए।